तेरे को ना नरक दिखाऊंगा मैं जैकेट पहन। ओए मेरी गाल सुन ये स्पर्म डोनर है ये टेल है और ये हेड है ठीक है तेरी तरह लंबे लंबे नहीं लिए ना समझ रहे हो ना समझ रहे हो गाइस अब छोड़ भाई ये वाला ले ले अरे देख सब डलेगा मार के कसम। सो हेलो भाइयों होप करता हूँ भाई सारे अपने घर पे बढ़िया हो गए मौज की जिंदगी काट रहे होंगे। सो भाई हो गई भाई नई शुरुआत अपने व्लॉगिंग की काफ़ी टाइम से मन कर रहा था जिसका। सो बस सुबह सुबह उठ के ज़्यादा दिखा तो नहीं पाया घर पे तैयार हो रहा था 20 मिनट पहले उठा हूँ मेरी क्लास थी 11 बजे। सो अब निकले हैं 11:15 हो चुके हैं 3 घंटे की क्लास है 10 मिनट में बस पहुँच जाएंगे बस आने वाली है। सो बस पकड़ते हैं क्लास में पहुँचते हैं फिर तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाते हैं और आज तो जॉब भी नहीं है जैसे तो आज थोड़ी वॉलीबॉल खेल लेंगे 2 क्लास है आज मेरी अभी एक 3 घंटे की फिर 2 घंटे के ब्रेक के बाद एक और क्लास है। सो लेट्स सी आज का दिन कैसा जाता है होप करता हूँ शानदार हो तो देखते हैं चलते हैं पहली क्लास में पहले ही लेट हो चुका हूँ 1/2 घंटा तो बैठते हैं और फिर हम शायद वॉलीबॉल खेलेंगे जाएं। और भाई तुम्हारा भाई तैयार हो गया है सुबह सुबह नहा के जो कि मैं हर रोज़ नहाता ही हूँ ऐसे चलो चलते हैं। भाई क्लास में से आ गए हैं बहन चो बीच में छोड़ के तो ये हमारे भाई से मिलो रजत भाई जितने भी गंडवे ये स्पर्म डोनर है तो जितने भी गंडवे पैदा हो रखे हैं देश में ये यहाँ कैनेडा में सारे इसने करवा रखे हैं ये स्पर्म डोनर भाई रंग इसमें साफ आ रहा है पता नहीं क्यों देख लो कॉलेज देख रहे हो हाँ भाई बढ़िया भाई कॉलेज देखो भाई चूतड़ नहीं दिखा रहा तेरे दिखा दो कौन है अरे और उन्होंने पढ़ने जाना है भाई ये पढ़ाकू है ना हम खेलने जा रहे हैं। सो लेट्स सी करण भाई हमारा शॉर्ट्स लेगा ठीक है वॉलीबॉल खेलते हैं एक दो उसके बाद भाई भी खेलेगा भाई प्लेयर है इंडिया की टीम से खेल चुका है। तो भाई क्लास से निकल के इस गंडवे के साथ जा रहे हैं वॉलीबॉल खेलने है ना भाई तेरी महंगी आँख गंदी बातें नहीं करनी। तो भाई भी चल रहा है थोड़े बहुत शॉर्ट्स लेगा देखते हैं हो जाता है। क्या करे भाई भगवान ने छोटी हाइट दिया तो तेरी तरह लंबे लंबे नहीं लिए ना समझ रहे हो ना समझ रहे हो गाइस मिलते हैं तुम्हें अंदर वॉलीबॉल खेलते हुए चार वक्त खाए ना ब्रो चार वक्त देखिए मैंने तो आज तक नहीं पी चलो भाई चले पहुंच गए तुम्हें ग्राउंड दिखाते हैं और अच्छा सा एक मैच लगाते हैं बढ़िया सा लेट्स सी क्या होता है भाई बहुत भीड़ है लेकिन आज पता नहीं खेलने के लिए भी जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी देखते हैं लेट्स सी टेल सी नहीं पता चल रहा डियर आंटी मैं डियर आंटी ये टेल है और ये हेड है ठीक है यहां मुंह दिख रहा है ये मुंह दिख रहा है ठीक है हेड भाई हेड चलो खेल लो भाई फैन भाई जी उरे इंडिया वालों का कनेडा वालों का मैच लगना है देखते हैं की बनता पहला तो खस्सियां की टीम आ उस तो बाद अपने पंजाबी झोटे आवगे कनेडा वाले की बुंड पाड़नगे अजे खस्सी खेडन लगे होने बादी टॉस हार चुके हैं टॉस हार चुके हैं और अब पहले ही खेल रहे 15 पॉइंट का गेम उसके बाद देखते हैं क्या होता है ठीक है अगली गेम हमारी Oh,
जैकेट पहन। इसकी काक सूंघ लो भाई, काक नहीं कांच, कांच 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 सूंघ लो भाई, कांच दिखा दे भाई लोगों को भाई ना भाई, कांच भाई गोरियां दिखा दे। कोई नहीं भाई, चलो चल भाई आगे दिखाते हैं क्या करना है। आगे दो बार जो बार पहलों ने यहाँ लड़ाई चल रही है, कौन क्या खिला रहा है देख लो भाई, बैंड के लोड़े इधर चिंदी है, चिंदी भाई चिंदी देख लो, उन्होंने क्या चावला भाई चिंदी बहन लड़ी है, सबसे बड़ा चिंदी भाई हाँ भाई, तो पहली क्लास में इन्होंने बाहर निकलवा दिया और फिर हम वॉलीबॉल खेलने आ गए। अब दूसरी क्लास में कुछ होना नहीं है तो ये सारे कहते हैं कि चलते हैं, वो बाकी सारे भाई ब्रैम्पटन चले गए हैं और हम गुरुद्वारे जा रहे हैं मठा टेकने, उसके बाद फिर घर चलते हैं, प्री वर्कआउट लेते हैं और फिर जिम निकलते हैं। आगे दिखा दो तुम्हें गुरुद्वारे में, ठीक है ओके भाई मिलते हैं। चलो चलो भाई, बस पहुंच गए हम गुरुद्वारा, ये रहा भाई यार बहुत तेज धूप हो रही है यार, एक तो ना ये इतनी अजीब सा शहर है, कभी भी धूप हो जाती है कभी भी बर्फ पड़ने लग जाती है, सुंदर है अंदर से गुरुद्वारा, वैसे आया हूँ मैं दो तीन बार, अब अंदर तो शायद से व्लॉगिंग करनी अलाउड ही ना हो, सो चलते हैं अंदर मठा टेकते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, कितना टाइम हो गया मैं गुरुद्वारे कभी जा नहीं पाया, क्योंकि काम की वजह से आज काफ़ी टाइम बाद एक छुट्टी मिली है, तो कॉलेज के बाद मैं काफ़ी टाइम बाद एक छुट्टी मिली है तो कॉलेज के बाद अभी ये भाई ले आया गुरुद्वारे, नहीं तो मेरा तो आना होता ही ना। लेकिन एक बात नोटिस करी कि कितनी पॉजिटिविटी आती है भाई एक रिलीजियस प्लेस पर आके, मतलब बहुत अच्छा लगा। सो अब यहाँ से फ्री हो चुके हैं, निकलते हैं देखते हैं, अब घर ही जाएंगे शायद से, तो घर जाके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकलते हैं शाम को जिम, जिम करते हैं बढ़िया वाला, आज है शोल्डर वर्कआउट, लेट्स सी कैसा होता है, फाड़ देंगे भाई आज, ठीक है चलो भाई मिलते हैं तुम्हें घर पर। वॉलमार्ट चलना पहले, तो भाई भाई ये केले लेता है तो किसी को देने हो अपने के लिए तो उसका कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलो भाई पहले वॉलमार्ट चलते हैं, भाई ने कुछ सामान देना है, भाई केले लेगा शायद से, ले लेता दो ले लेता ही बटे भाई, भाई जनता देख रही है बता, अभी बहुत ज़्यादा सूरज आ रहा है भाई, हाँ बता भाई दो ले लेता है एक बटे। चलो भाई पहुंच गए वॉलमार्ट, भाई केले लेगा, लेगा ना भाई केले, भाई के लिए शेक बनाने के लिए चाहिए भाई, अगर जिम करता तू भी करा करना भाई, शर्म करा कर, थोड़ी जिम का ले शिफ्ट ला लो, तो शिफ्ट है वो नहीं लगा रहा, वो कहां लगा रहा, अभी उसको कुछ कर, अभी उसको कहां पे थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हो रही है, तू निकाल दिया, निकाला नहीं है भाई अभी ज्यादा, अच्छा तो बंदे कम कर रखे हैं, कहां काम करता है वैसे वो, आरडी चाहिए, तो तेरे को निकाल दिया है फिर, तेरे का भी बंद है, प्रोटेस्ट करना तुम प्रोटेस्ट करवाते हैं भाई इसका, ठीक है
इसका प्रोटेस्ट चालू कराते हैं, इसको काम से निकलवा दिया भाई। पार्किंग की इतनी दिक्कत होती है ना यहाँ पर। चलो अपने पे तो गाड़ी नहीं है, सही है, गरीब बंदे हम, कहते नहीं गड्डियाँ सस्तियाँ मिल जाती है। मेरी गड्डी चेक करो भाई, ने 2500 कर दी गाड़ी ली थी भाई। धूप चेक करो तुम, एक नंबर की धूप निकल रही है आज। ये देखो खचरा वैन छोड़ वो खचरे। अभी बंदी चल रही थी इंडियन, अब इंडियन बंदा हो गया। बैडमिंटन कोर्ट का क्या करेगा, खेलना तेरे को आता नहीं है कुछ। खेलना क्या आता है भाई तेरे को? भाई देखो कितनी गंदी, भाई सब डलेगा, मार के सब सब छोड़ भाई, ये वाला ले ले। अरे देख, अरे देख तो ले, अरे लिफाफा लेके पहले ये देख, पहले ये देख, घुमा के गांड ये ले करन, केला तेरे लिए करन, करन केला। उफ भाई इतने के बंदर है क्या, इतने केले क्यों लेके जा रहा है? ये ज्यादा सॉस। अच्छा ये वाला ले ना। I think so, और अभी अभी मैंने बस वो हेयर सैलून में बुकिंग भी कर दी है, क्योंकि मेरे को अभी बाल कटाने थे, थोड़े से बड़े हो रहे थे ऊपर से, सो थोड़ा सा सोच रहा हूँ मुलेट कट करा लूँ। जाते हैं देखते हैं क्या बेस्ट रहता है, जैसे वो एडवाइस करेगा तो कटिंग कराने चलते हैं। सो भाई निकल चुके हैं कटिंग कराने, बस चलते हैं कटिंग कराते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। आज कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा सकते, दोस्तों की सबकी जॉब है, जा तो सकते हैं ठीक है, अकेले चल लेंगे, ज़िंदगी में अकेले चलना ही पड़ता है भाइयों, ठीक है। सो चलते हैं एक बारी अच्छी सी कटिंग कराते हैं फटाफट स्मार्टी बन के, फिर देखते हैं। As I'm just near the saloon, बस देखते हैं, अंदर चलते हैं, पहुँच गया उसमें भाई सलून के पास। सो लेट सी, 6:30 की अपॉइंटमेंट थी, 6:25 हो चुके हैं, सो कटिंग कराते हैं भाई। पीछे मौसम चेक करो, कितना भाई सेक्सी मौसम हो रहा है भाई, शुक्र है भगवान का। कई बार भाई ऐसा होता है कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बर्फ गिर रही होती है, और जिस दिन काम होता है उस दिन इतना अच्छा मौसम होता है और घूमने नहीं जा सकते। आज इतने टाइम बाद ऐसा हुआ कि जिस दिन काम नहीं है और मौसम भी अच्छा है, सो थैंक्स टू गॉड। सो लेट्स सी, अंदर चलते हैं, अच्छा सा हेयर कट कराते हैं और फिर मिलते हैं आपको। लेट्स गो, इफ यू डोंट माइंड आई एम फिल्मिंग दैट। सो But that's look good. It was really good. Yeah. Thank you. You like that? Yeah. Is there anything at all that you want to change? No, all of it. No? Feels good? I like it. Alright, let's just double check we got all the neck hairs. Yeah. Okay, I didn't take too much off the top. Mm-hmm. And you are a little bit shorter right in the crown area. Okay. So your next haircut, probably the one after that, will be the same length as before. Okay. Okay? Okay. I'm just growing the upper one, so never mind. Yeah, once it's a little bit more grown up, in the back is perfect, but then you want kind of like more length towards the front, right? Okay. Like, you want to be able to like spike that right up. It's awesome. Mm-hmm. All right, my friend, did you want any products in your hair? No. Awesome. Thank you. सो भाई 9:30 बज चुके हैं, अब आया हूँ घर पे हेयर कट करा कर, दे फक माय टाइम भाई। वहाँ पे बहुत सारे बंदे थे, उन्होंने और भी चीज़ें करानी थी, किसी ने हेयर कलर कराना था और किसी ने बियर्ड वॉश करानी थी, और भी बहुत सारे लोग थे, सो उनको टाइम लग गया और उन्होंने मेरा
हेयर कट ही 8 बजे चालू करा। सो 8:30 बजे तक मेरा हेयर कट चालू हुआ और मेरे को घर आते आते 9:30 बजे, तो आई नो बहुत लेट हो गया और जिसकी वजह से मैं घूम नहीं पाया और ना ही मैं खेल पाया। और पर कोई नहीं, तो खाना बनाते हैं और सोते हैं क्योंकि कल जिम भी जाना है। और बाकी भाई मेरा पहला व्लॉग था भाई, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि भाई कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो भाई प्रेज ही कर देना कोई, और अगर भाई गंदा भी लगा हो तो मेरे को बताना कि भाई मेरे व्लॉग में क्या कमी थी। जो भी कमी हो उसे बता देना ताकि मैं आने वाले व्लॉग्स में उसे ठीक कर पाऊँ। और मोटिवेटेड रहूँ भाई, मोटिवेशन दो तुम्हें ही देनी है। सो देखते हैं भाई आगे कैसा चलता है। काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा मन था कि भाई मैं व्लॉग चालू करूँ, और दोस्तों को कहता था तो वो बोलते थे कि भाई क्या क्या भाई काली वाली बहन चोद की भाई क्या करेगा व्लॉग्स बना के, ठीक है। लेकिन फिर मेरे को एंड टाइम पता चला कि भाई करना है तो अकेले चालू कर सकते हैं ना। सो नाउ आई एम हेयर, तो भाई मैंने कर दिया चालू अकेले। सो लेट्स सी क्या होता है, प्यार दिखाओ सारे। पहला व्लॉग था, लाइक शेयर कमेंट, और अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस, सी आई नेक्स्ट व्लॉग। आगे और भी बहुत बहुत धाकड़ धाकड़ व्लॉग्स आने वाले हैं, टेंशन मत लो, पूरा घुमाएंगे, पूरी मौज मस्ती होगी। ओके सी या।